वेलकम टू समझो टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीआई ट्रांजिशन बैंक लिमिट के बारे में, जो कि आजकल ज़्यादातर कैश की बजाय यूपीआई के जरिए पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी यूपीआई के जरिए ज़्यादा पेमेंट करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक यूपीआई ट्रांजिशन लिमिट कौन कौन से ऐप जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी कितना लिमिट आपको प्रोवाइड करता है, तो उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीआई ट्रांजिशन बैंक लिमिट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपका बैंक आपके ऊपर एक ट्रांजिशन लिमिट रखता है? आपको यूपीआई ऐप के जरिए एक लिमिट तक ही पेमेंट कर सकते हैं। हर बैंक यूपीआई ट्रांजिशन का एक डेली लिमिट रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक निश्चित अमाउंट तक ही एक दिन में पैसे भेज या फिर रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार में कितना पैसा यूपीआई किया जा सकता है, इस पर भी अलग अलग बैंकों में अलग अलग लिमिट है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक एक दिन में आप एक निश्चित अमाउंट 1,00,000 रुपए तक ही ट्रांजिशन कर पाएंगे। यह लिमिट अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती है। एचडीएफसी बैंक में आपको 1,00,000 रुपए का लिमिट मिलता है, आप एक बार में कितना पैसे एक बार में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं और एक दिन में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सभी चीज स्क्रीनशॉट आपको यहां शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर जैसे कि आप केनरा बैंक में आपको 25,000 रुपए का लिमिट मिलता है, इस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,00,000 रुपए का लिमिट मिलता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 1,00,000 रुपए मिलता है, कोटक महिंद्रा में 50,000। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मन में किसी तरह का सवाल होता है तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।